प्रेस वालों को वाइन एसोसिएशन की तरफ से उनका अभिनंदन किया जाता है। आज वो चीज़ हम कहने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग जो हैं अपने आप को दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने अपनी असलियत लाने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक खेल के आगाज से मैं शुरू करूंगा कि सच जिसको कहते हैं, सच और झूठ जो होता है, इस दुनिया में दो चीज़ें चलती हैं। सच जो है ना घटाए सच रहे ना बढ़ाए सच रहे, और झूठ की इंतहा कोई नहीं जितना मर्जी कोई बोल जाए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आज हमें सच का सामना करना है और जो भी बात कही जाएगी सच के आधारित कही जाएगी। पहले नंबर मैं आपको अपने लोगों, अपने लाइसेंसी, अपने ट्रेड के रिलेटेड मैं आपको आज कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी लाइफ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइट ट्रेड ने नहीं, और आज ये मजबूर होकर हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। एक चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये ट्रेड जो है 1958 का ट्रेड है, और उस वक्त क्या था जो आज भी समाज इस ट्रेड को नकारता है। मैं बड़ी बात ही समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको अपोज करते हैं क्योंकि ये एक सोशल इवल है, लेकिन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंडर हम ये काम करते हैं। एक प्रस्क्राइब हमें एक लाइसेंस दिया जाता है जिसके प्रति हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि आज जो है हमारे लोग जो हैं, जब ये सोशल एक सोशल टैबो था और आज भी ये ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हमने पहले क्या होता था कि 1958 में जो मैंने सुना, मैं भी इस ट्रेड में बाद में आया, मैंने ये सुना कि वहाँ लोगों को बुला बुला कर लाइसेंस दिए जाते थे और उस घर में शादी नहीं होती थी जिसको ये लाइसेंस दिया जाता था, और गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू के पीछे थी कि उसका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़े और लोगों को बुला बुला के लाइसेंस दिए। उसके बाद रूल 1984 में बनाए गए जिसमें ये पूरे रूल प्रस्क्राइब किए गए, और उसमें ये कहा गया कि इसके लिए किसको लाइसेंस मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करना है, और कितने सारे उसके पैरामीटर थे उसको क्रॉस करते हुए ये लाइसेंस लोगों को मिला। उसमें उसके बाद ये 99 में ये लाइसेंस दिए गए, और बड़े लिमिटेड लाइसेंस दिए गए ताकि लोगों में कोई ऐसी चीज़ ना फैले। इसको करप्ट करना था, इसको कम करना था, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है उसको घटाना था। और एक बड़ी सुन के आपको ये लगेगा कि हमारे लोगों को अनएम्प्लॉयड बेस पे भी लाइसेंस दिए गए, जिसमें हमारे काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और आप ये कहेंगे कि एक एक पैसा हमने अपने डिपार्टमेंट को दिया है और किसी भी ढंग से हमने कहीं चोरी नहीं की, कोई इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ एक हम लीकर ट्रेड को लीकर ट्रेड नहीं समझ के अपनी रोटी रोजी समझ के चला रहे थे। आज हमें ये मजबूर होकर ये चीज़ करनी पड़ी। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारे लोगों ने अपने बच्चों को भी इसमें लाया, और जो रूल एंड एक्ट जो है वो उसको परमिट करता है कि हम अपने बच्चे का नाम एंटर करवा सकते हैं, अपने भाई का नाम एंटर करवा सकते हैं, विद इन फैमिली ये लाइसेंस जो है ट्रांसफ़र हुए हैं। और दूसरा नंबर, इसमें कोई नौकरी जो है एक एफिडेविट दिया जाता है कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, को कुछ नहीं है, और उसको ये लाइसेंस दिया जाता है। दूसरा ये मैं आपको बताऊँ कि हमारा इतने सारे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बच्चा हमारा जो कि अपना उसको आज 10 साल से बेड रिटन है, उसकी वाइफ आज यहाँ आपके सामने है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
कि आज बच्ची है मेरी यहाँ बैठी हुई, कि अगर कल को ये चीज़ें जाती हैं, कल को ये चीज़ें जाती हैं, तो ये बच्चा माफ़ करना मुझे, इसकी बीवी सामने बैठी है, ये टिल डेथ ऑन बेड है, इसका स्पाइनल कार्ड टूट चुका है और ये 10 साल से बेड रिटन है और इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, और ये जो गवर्नमेंट ने आज पॉलिसी लाई है इससे हम टोटली बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिच लोग नहीं है, एक रिच लोग नहीं है। हो सकता है 10 लोगों ने 20 लोगों ने तरक्की की हो, साइड बिजनेस किए हो, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड बिजनेस है। एक बच्चा ऐसा है हमारे पास जिसके घर में टेरिस अटैक हुआ त्रिकुटा नगर में, और इसके इसमें हमारे इस बच्चे के फादर ने अपनी जान गंवाई, और एक हमारा जांबाज SHO शमशेर सिंह परहार जो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसको एम्स से उसको दाखिल कराया गया और बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन आज इस बच्चे को, उस वक्त के कमिश्नर ने ये कहा इस बच्चे को मैं रिहैबिलिटेट करने के लिए ये लाइसेंस दे रहा हूँ, उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी सारा शोर मचाया, लेकिन ये कोर्ट में गया और कोर्ट में आज वो कमिश्नर साहब इस दुनिया में नहीं है। और इस बच्चे की क्या कसूर है ये मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ इसने डिफॉल्ट किया। ये ठीक है कि हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैटर ऑफ लाइवलीहुड तो है हमारा, उसको तो ना छीनो। अगर जिसने 50 साल काम किया उसको एक रात में आप निकालोगे, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी पॉलिसी है? और ये जो पॉलिसी है हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, और ये पॉलिसी एक रिच को और रिच बनाने वाली है। हमारे में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एक इतनी बिट दे सके, और आप में से भी कोई ऐसा नहीं। अगर कल को गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देना चाहती है तो जहां अनसर्व्ड एरिया वहां दे दे, और हमारे लोगों की रोटी रोजी मत छीने। हमारे पर इतनी लाइबिलिटीज हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, ये कौन सी पॉलिसी है? और मैं ये आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जो हमारे LG साहब हैं वो एक, उनका एक नहायत अच्छा चेहरा है, और एक इंग्लिश का मुहावरा है द फेस इज द नेक्स्ट ऑफ माइंड, उनका चेहरा भी वही है, उनका मन भी वही है, लेकिन बदकिस्मती से हम LG साहब के पास पहुंच नहीं सके, हमने रिक्वेस्ट डाली थी हम नहीं पहुंच सके। उसके बाद हमारे पास ऐसी मशीनरी है गवर्नमेंट की कि वो टोटली ऑनेस्ट है, ऊपर हमारे फाइनेंशियल कमीशन साहब हैं टोटली ऑनेस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये पॉलिसी किस तरीके से बनाई जा रही है, कौन इसमें मुफसल है, क्या इसके पीछे मंशा है। और मैं इससे PMO में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इंटरवीन करें। अगर हमें नहीं बचाया गया, अगर हमें, हमने कौन सी गुनाह किया, हमने पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया, रात को पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती थी, सुबह रात को पॉलिसी लाते थे हम, सुबह इम्प्लीमेंट करते थे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहां हमने आनाकानी की हो। हाँ, छोटे मोटे हमारे अपना होते थे मसले, वो हम मनवाने की कोशिश करते थे। आज आपको एक बात मैं वो कहने जा रहा हूँ जिससे सुन के आपको एक अच्छा मैसेज लगेगा कि हमारी तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। हमने 2016-17 में, 15-16 में हमने गवर्नमेंट को खुद अपना प्रपोजल दिया कि हम शराब का काम करते हैं, साइड बाई साइड हम एक, कोई लोगों के ऊपर ये ना लगे कि हम शराब का काम करते हैं, हम कुछ सोसाइटी के लिए भी काम करें। और मेरी हर दुकान जो है 2500 रुपया पर मंथ CSR देती है, वो हमारा इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट का नहीं था। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया और गवर्नमेंट ने हमारा प्रपोजल को माना और उस पर मैचिंग अमाउंट भी दी। उसमें हमने 13 एम्बुलेंसेस दी हैं, 13 एम्बुलेंसेस जो है लेह, श्रीनगर, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सिटी में हमने, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमने दी। उसके बाद हमने नुक्कड़ नाटक चलाए, डिक्शन चलाया कि भाई इस जो ड्रग मींस है उसको बंद किया जाए इलिसिटली। कोरोना के काल में जब हमारी दुकानें बंद थी, मैक्सिमम शराब बाहर से आके बिकी और बदनाम हम लोग हुए, और कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई गई। अगर कहीं पे कोई पाई गई उसको पनिश किया गया, उसको उससे फाइन लिया गया। मैं आपको ये कहने ये चाहता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी बेखूबी लोगों ने निभाई, और कोरोना काल में हमारे लोगों ने जान तोड़कर मेहनत की और लोगों में पूरे तरीके से सहयोग दिया। जहाँ जहाँ हमें नाम नहीं चाहिए था,
हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आज हम मजबूरन आप लोगों के सामने आए हैं। ये ठीक है लोग हमें नकारें, पसंद करें ना करें, लेकिन एक चीज मैं बड़े खुलेआम तरीके से कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब हमें लगा कि हमें कुछ गवर्नमेंट को के साथ सहयोग करना चाहिए, तो ये एक हमारे पास लेटर है जिस पे हमने गवर्नमेंट को खुद लिखा कि हमारा सीएसआर का, हमारा शेयर, गवर्नमेंट का नहीं, हमारा शेयर जो है वो एलजी फंड में जाना चाहिए। और उसमें हमने 2 करोड़ रुपया एलजी फंड में दिया। उस वक्त के जनाब श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब थे जो एलजी साहब थे, और फाइनेंशियल कमिश्नर हमारे डॉक्टर एके मेहता आज भी हैं, वहीं पे हैं, और हमने पूरे अपने तन मन से काम किया, हमने ऑनेस्टली सारा चीजें की। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें हमारा एक भी आदमी कम्पीट नहीं कर पाता, और ना हमारे पास इतने पैसे हैं। आज ये चीज़ है कि आज आपके सामने हम ऐसे हैं, कल हो सकता आप हमें कहें जी ये कल ट्रेड चलाते थे, आज इनका ये हाल है, कहीं ये कहीं पड़े हुए हैं, कहीं ये कहीं पड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक एप्रीहेंशन और बता दूं, हमारे 4-6 लोगों को मैंने अपने बच्चों को देखा, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को देखा और उनके हालत से मुझे एप्रीहेंशन है कि कल को कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेवार ये पॉलिसी होगी और कोई नहीं होगा। लिहाजा मैं आपसे ज़्यादा बात ना करूं, आप मेरी बात को पूरे तरीके से समझ गए होंगे, और मेरी गुहार है एलजी साहब से, मेरी गुहार है अपना सीएस से, मेरी गुहार है फाइनेंशियल कमीशन से कि आप प्लीज़ इसको सारे तरीके ठीक ढंग से चलाएं और उसे ये चीज़ें करें। इसमें कोई जॉब ओरिएंटेशन और इसमें कोई जॉब ओरिएंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम कर ही कुछ नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी हम्बल सबमिशन है गवर्नमेंट से, एलजी साहब, और मैं एक बड़ी खुशी की बात है, ये कोविड के वैक्सीनेशन हो रही है, आज लोगों को बचाने की बात हो रही है, लोगों को मारने की बात नहीं, बचाने की बात हो रही है। तो ये भी हमें एक कोविड इंजेक्शन हमें भी लगना चाहिए कि हम लोग अपनी रोटी रोटी चला सकें। श्रीनगर कोई दुकान डिस्टर्ब, श्रीनगर कोई दुकान डिस्टर्ब नहीं, जॉब नहीं है, माय डियर, उसमें ऐसा है, ये जो पॉलिसी है मिनिमम बिड जो है वो सिर्फ लाइसेंस फीस के ऊपर है, ना कि बाकी टैक्सेस जो हैं वो अलहदा से लेने हैं। और साथ में जो भी आगे का बिजनेस होगा, एक मिनट यार, जो भी आगे का बिजनेस होगा वो इन एडवांस पैसा चाहिए, और मिनिमम बिड जो है 5 लाख रुपए है। और उसकी कोई आप, हमने कल भी एक ऐसा दृश्य देखा वहाँ कि वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो हमें मिटाने के चक्करों में थे, और हम लोग जो है वहाँ अपने आप को बता नहीं सके। हमने गवर्नमेंट से टाइम मांगा, हमने गवर्नमेंट से टाइम मांगा कि हमें एक लेनी पॉलिसी 5 साल की, अच्छा एक मिनट यार प्लीज, उसमें हमने टाइम मांगा गवर्नमेंट से कि भाई हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस पर सोच विचार करें, ये आप 11 घंटे में या 12 घंटे में हमसे जवाब मांग रहे हैं ये मत करें। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये ले की जो पॉलिसी है वो हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी उसी को उन्होंने आगे रिन्यू किया और 5 साल के लिए रखा।